الله <سؤال> الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم

करम फजल रहमत का साया हमेशा पर साया फरमाएं। ये दुनिया दारुल अमल है, यानी अमल करने की बीच बोने की जगह है और आखरत जजा यानी बदला मिलने का मुकाम है इस दुनिया में जो अच्छा या बुरा बीज बोएंगे उसी की फसल आखरत में काटेंगे और याद रखिये बाद तो दुनिया में भी बदला मिल जाता है अच्छा करें या बुरा करें उसको उर्फ में कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा बरोगे अल्लाह के महबूब सल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि नेकी पुरानी नहीं होती और गुनाह भला बुलाया नहीं जाता जो गुनाह करोगे वो बुलाया नहीं जाएगा और नेकी कभी पुरानी नहीं होती जजा देने वाला अल्लाह ताला जो हमेशा रहेगा जो चाहो बन जाओ तुम जैसा करोगे वैसा बनोगे चाहे तो नेक बन जाओ चाहे बुरे बन जाओ ये तुम्हारे अपने हाथ में है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह रसवा करे जहां उसकी बेजती और आबरू रेजी की जा रही हो तो अल्लाह ताला उस बेइज्जत करने वालों को भी फिर ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ वो अपनी मदद चाहता होगा और जो किसी मुसलमान की ऐसी जगह मदद करेगा जहां उसकी इज्जत घटाई जा रही हो उसकी अबरू रेजी की जा रही है तो अल्लाह ताला ऐसी जगह उसकी मदद करेगा जहाँ वो अपनी मदद का तलबगार होगा यानी हमेशा दूसरों के लिए मददगार बने दूसरों की इज्जत बढ़ाने वाले बने दूसरों को जही जलील रसवा करने वाले ग्रोह के साथ लोगों के साथ ना कभी खड़े हों ना खुद ऐसा कोई काम करें वरना वो जात तो सब कुछ देख रही है कि मेरे बंदे को अगर ऐसा किया तो फिर तुम्हे वहां जलीलो किया जाएगा जहां तुम मदद के तलबगार हो यानी जिन्हें तुम अपना समझ रहे होंगे दूसरे लफ्ज में कि ये मेरे साथ हैं ये मुझे कभी रसवा नहीं करेंगे तो वहां तुझे रसवाई मिलेगी एक औरत ने सईद बिन घर के बाद इसे के मतलब झगड़ा किया आप रदी अल्लाह तलाशाद फरमाई ये जमीन इसको दे दो मैंने रसूल पाक को ये फरमाते सुना है जिस शख्स ने एक बालिश जमीन भी नहाक ली क्या मत के दिन उसके गले में सात जमीनों का तोक डाला जायेगा ये वो लोग जो दूसरों की जमीने दबाए बैठे हैं प्लाट्स दबाए बैठे हैं वो इस बात पर जरूर गौर करें कि ये दुनिया है इसने गुजर जाना है मगर कल जो क्यामत का दिन होगा हिसाब किताब का दिन होगा वो बड़ा ही सख्त होगा और ये सहाविये रसूल थे आपने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्ला सल को ये फरमाते हुए सुना है जिस शख्स ने एक बाल जमीन बिना हक ली क्यामत के दिन उसके गले में सात जमीनों का तो डाला जाएगा, और इसके बाद आपने दुआ फरमाई फरमाईया अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसको आंधा कर दे और इसकी कबर इसी घर में बना दे <क्यों> रावी कहते हैं कि मैंने देखा वक्त गुजरने के बाद जिस औरत ने झूठा इल्जाम लगाकर जमीन पर कब्जा किया था वो अंधी हो चुकी थी दीवारों को टटोलती फिरती थी और कहती थी मुझे सईद बिन जैद की बदवा लग गई है आहर कर एक दिन घर में चलते हुए वो कुएं में गिर कर मर गई और वही कुआ उसकी कबर बन गया किसी ने उसे निकालना तक गवारा ना किया आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जमीनों पर ना कब्जा तो मामूल बन चुका है आज के दौर में तो जिसकी लाठी उसी की बैंस जिसके पास असला हो जिसके पास ज्यादा पौच हो ऊंडे ज्यादा हो तो बड़े फख्रिया कहते कि हम कब्जा ग्रुप वाले हैं या कब्जा ग्रुप वालों के साथ उठने बैठने वाले तो याद रखिए कब्र में आपने अकेले जाना है वहां कोई कब्जा ग्रुप आपके साथ नहीं जाएगा कल क्यामत के दिन तुम नहीं बच सकोगे उधर एक तरफ तुम खड़े होंगे और दूसरी तरफ मजलूम होगा तुम्हारे गले में सातों जमीनों का तोक डाला जाएगा घेर लेगा उस वक्त कोई नहीं होगा जो बचा सके। इमाम रजा बरेलवी रही जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले को झुंझोरते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तार जब्बार के गजब से डर जरा मन दो मन नहीं बीस पच्चीस ही सिर मट्टी के ढीले गले में बांधकर घड़ी दो घड़ी के लिए फिर उस वक्त के क्या करके इस जुलम शदीद से बाजना आसान है या जमीन के सातों तबक तक खोद कर क्यामत के दिन तमाम जहान का हिसाब पूरा होने तक गले में मजल्ला ये करोड़ों मन का तोक पढ़ना और सातवीं जमीन तक धंसा दिया जाना वो आसान है या इस दुनिया में जिसके साथ ज्यादा की उसकी जमीन वापस करके उससे माफी मांग लेना ये आसान है कल क्यामत के दिन पचास हजार साल का दिन रात होगा तो आप फरमाते हैं कि वहां सातों जमीनों करोड़ों मन होंगे तुम्हारे गले में डाल दी जाएंगे तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए या इस दुनिया में ही माफी मांग लेना बेहतर है। तो कोशिश करें ऐसे लोग जो, जो जमीनों के मामले में कब्जा करने वाले हैं या किसी की जमीन दबाकर बैठे हुए हैं चाहे वो बहन भाई हों रिश्तेदार हों अजीज हो तो ये दुनिया गुजर जाएगी सिर्फ एक सेकंड लगता है इस दुनिया से उस दुनिया में इंसान मुंतकिल हो जाता है फिर जो बीच बोया होगा वहां वो फसल तैयार होगी और आप वहां इनकार भी नहीं कर पाएंगे आपका लामा आपका स्टाइल हर एक चीज जिस तरीके जिस रवैये से आपने काम किया होगा वो पूरे का पूरा उसी तरह मनो एन आपके सामने होगा वो बदमाशी वो सब जिस तरह यहाँ दुनिया में अगर देखें कोई कैमरा लगा हो और आपकी वीडियो बन रही हो तो आपका पूरा स्टाइल उसमें आएगा तो वैसा ही क्यामत के दिन भी आपके साथ जो फरिश्ते किताब लिख रहे हैं आपके सामने लाकर रख देंगे तो वहां इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी इस दुनिया में ही एक दूसरे से माफी मांग लें जिससे ज्यादती की है किसी की जमीन पर कब्जा किया तो वह कब्जा छोड़कर उसे वापस कर दें कल वो मज़लूम होगा और आप ज़ालिम की صف में खड़े होंगे तो जरा تصور कीजिए वहां क्या बनेगा यहां अगर थोड़ी सी मट्टी किसी बर्तन में किसी चीज में डालकर आप अपने गले में डालें जरा किसी गली मोहल्ले में घूमें वहां तो तमाम जहान होंगे मखलूक होगी तमाम उमते मौजूद होंगे। वहां तो डाला ही जाएगा तो खुदा रहा ये दुनिया है ये चंद लम्हों की जिंदगी है वो जिंदगी जो हमेशा रहने वाली है कभी खत्म नहीं होगी इस मुख्तसर से जिंदगी में ये दुनिया अमल है और आखिर दार्जा है अच्छा अमल करें अच्छा बेच बोए ताकि अच्छी फसल तैयार हो नेकी के नस्ते पर खुद भी चलें, दूसरों को भी लगाएं। ये जमीनों के कब्जों से किसी की नाहक जमीन दबा कर रहने से इन चीजों से भी निकले और मुसलमान बहन भाई की इज्जत हमेशा करें उन्हें जडी करने की कोशिश ना करें वरना जैसा खुद करोगे वैसा ही आपके साथ होगा अल्लाह रबूलामी ला हम सबको अमल की तोफीकता फरमाए बुराई के रास्ते से बचने और नेकी के रास्ते पर चलने की तोफ़ी का फरमाए अपना अपने जाने वालों का और अपने आसपास रहने वालों का खास ख्याल रखिए। खयाल रखिये असल वरहमत ला वरकू